सर आज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कई सारे ऑल इंडिया इमाम मुस्लिम काउंसिल स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया तमाम को बैन किया, आपका पहला कमेंट क्या इस बारे में? जागना चाहिए, ये सीए एनआरसी का दूसरा रुख है। कांग्रेस के अंदर अभी भी जो लोग बेवकूफी में हैं, कांग्रेस के बयान को देख रहे हैं। आज अगर लोग होशियार नहीं हुए, यूपी की हालत ही कर्नाटक में होती। सर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एक महीना दो महीना पहले आपने भी देखा होगा कई सारे मुस्लिम एमएलए चीफ मिनिस्टर बम्बई को मिलने जाते, एक मेमोरेंडम सबमिट करते जिसमें पीएफआई एसडीपीए को बैन करने की मांग, जब जैसे ही मीडिया में बात आती है वो पलट जाते। लेकिन आज यूटी खादर ने कहा है कि हमारे ही तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएफआई पे बैन किया है। हाँ, आरएसएस के खाला के बच्चे हैं ना, इनकी अम्मा आरएसएस वाली, पीएफआई एसडीपी आरएसएस रामसेना, इनकी गवर्नमेंट थी ना, क्यों नहीं बैन करे? चिदंबरम मिनिस्टर था नहीं, सुशील कुमार सिंधे नहीं था, ये नहीं बैन करे? कौम को उठना चाहिए, होशियार, सरप्राइजिंग स्टेट, होशियार हो जाओ। सरप्राइजिंग, कर्बला के मैदान में यही लोग थे, हुजूर के नमाजों को मारने वाले ये, दिल के पपोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को लगे आग इस घर के चिराग से। आज यही लोग जो है कौम के अंदर बदनामी करे। आज भी अगर कौम नहीं जानी कांग्रेस का सही चेहरा, मंगलोर में दो मुसलमान मरे, गया था क्या सिद्धरमैया? खादर तू गया था कह रहे, धारवाड़ में एक मुसलमान का बच्चा नरगुंद में मरे, कांग्रेस वाला कौन था? गए थे खादर, गए थे। सरप्राइजिंग स्टेटमेंट ये आता है सर कि जो भाई इलेक्शन में सिद्धरमैया की जीत 200-400 वोट से होती है वो भी एसडीपी वाला के वोट से, सिद्धरमैया महेश था सो, वो इनके हालत में जी कांग्रेस की हालत ही है, एसडीपी के वोटा से जीता सो, महेश ना था वहां, नहीं तो ना कब किच गए रहते थे। सेक्युलरिज्म के बिग ब्रदर जो कांग्रेस को कहा, क्या आपको लगता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी कांग्रेस से दूर होती जा रही है? इससे ज्यादा डेंजर है लोग कांग्रेस जी, इनकी बात देखे तो आज राजीव गांधी राहुल गांधी देश जोड़ो जोड़ो मेरे बाबा, पहले जो आदमी मर रही आरएसएस को क्यों नहीं बैन करे? कर्नाटक में रामसेना क्यों बड़ी? मुतालिक देसाई प्रभाकर भट्ट कलड़का एक केस डाले थे उसके ऊपर, एक केस सर। एक साल पहले ही तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन है उनका, उस वक्त से कांग्रेस भी उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे रही थी, इल्जाम लगा है। तो ये जो दावा करती है कांग्रेस पार्टी जो सेक्युलरिज्म माइनॉरिटी का सपोर्ट करने का है, क्या आपको लगता है खोखला हो गया अभी बैन के बाद? गुलाम नबी छोड़े, मई छोड़े, ओरिजिनल जितने भी छोड़े, अब कचरा बच गया होता है। सर नलपाड़ के बेटे मोहम्मद नलपाड़ ने भी स्टेटमेंट दिया कि पीएफए के साथ साथ बजरंग दल को भी बैन कर देना चाहिए, तो आपका क्या कहना है सर? सब बच्चे हैं ना, मालूम नहीं, पहले कांग्रेस को साफ करो ना।